चंबल जुर्म का दूसरा नाम। जब कभी हमारे जहन में चंबल शब्द आता है तो डाकू शब्द अपने आप जुड़ जाता है। चंबल घाटी के अंधेरे बीहड़ जंगल एक समय डाकुओं का घर हुआ करता था, जहां से वो डकैती अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाया करते थे। चंबल घाटी के क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था से दमित होकर लोगों ने बंदूक थामकर खुद को बागी घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगे सैकड़ों मील ये बीहड़, जिसके दामन में जुर्म की दुनिया के ना जाने कितने खूनी किस्से दफन हैं। ऊबड़ खाबड़ पहाड़, कटीली झाड़ियाँ और बलखाती नदियाँ, ये वही चंबल है जिसका नाम आते ही जुर्म शब्द अपने आप जुड़ जाता है जहन में सिर्फ खूंखार डाकुओं के किस्से। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से ये सटी घाटी कानून के लिए सरदर्द बनी हुई हैं। चंबल के इतिहास पर नज़र डालें तो तकरीबन 1500 साल पहले जूनानी सम्राट सिकंदर हुकूमत के खिलाफ इस इलाके के लोगों ने बागियों के तौर पर अपना पहला ऑपरेशन चंबल से ही शुरू किया था। तभी से चंबल डाकुओं का घर बन गया। यहाँ दहशत का ऐसा साया है कि दिन के उजाले में भी गाँवों में सन्नाटा पसरा रहता है। ना बुजुर्गों की चौपाल और ना ही बच्चे खेलते नजर आते हैं। ये कहानी महज एक गांव की नहीं, इस पूरे इलाके की है। 1970 का दशक यहाँ के लोगों के लिए सबसे खराब गुजरा। कई छोटे छोटे डाकुओं का गिरोह सक्रिय रहा। गया, कुर्मी, ददुआ, ढोंगिया, इन डकैतों के जुल्मों से बुंदेलखंड की दरकती उम्मीदों को रौंदने का काम किया। ये डाकू बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 6 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं। एक वक्त बुंदेलखंड किसी राजा की आंखों का तारा हुआ करता था, लेकिन अब वहां के लोगों का मानना है कि भगवान ने जो गरीबी मुफलिसी लिख दी उसमें रहना पड़ेगा। कितने चुनाव, कितने नेता आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन भीड़ों में आज भी डाकुओं की धमक सुनाई देती है। आगे हम कुछ डाकुओं के नाम आपको जरूर बताते हैं और उनका इतिहास बताते हैं कि वो कब से कब तक इस घाटी में सक्रिय रहे। मानसिंह, डकैत मानसिंह भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक सक्रिय रहा। वर्ष 1935 से 1955 के बीच मानसिंह ने 1112 डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया। उसने 182 हत्याएं की, जिसमें 32 पुलिस कर्मचारी शामिल थे। राठौर राजपूत के घराने से संबंध रखने वाले मानसिंह ने अपने पुत्रों, भाई, भतीजों की बदौलत चंबल के इलाकों में एक छत्र राज किया। मानसिंह को स्थानीय लोगों दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेवा में तत्पर रहता था। उसकी छवि रानी रॉबिनहुड सरीखी थी, जो अमीरों को लूटकर गरीबों को दिया करता था। वर्ष 1955 में सेना के जवानों ने मानसिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह को गोली मार दी। यहाँ के खेरा राठौर इलाके के मानसिंह का एक मंदिर है, वहाँ उसकी पूजा होती है। दूसरा डाकू जिसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, पान सिंह तोमर। हाल में ही एक फिल्म बनी है। तोमर के डकैत बनने के पीछे जमीन विवाद की एक कहानी जुड़ी हुई है। डकैत बनने से पहले मानसिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर में सूबेदार के पद पर तैनात था। बाद में उसका चयन भारतीय सेना में हो गया, जहां उसका झुकाव खेल के प्रति हुआ। उसने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया। अपनी मेहनत के बदौलत मानसिंह तोमर 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहा। 3000 मीटर बांधा दौड़ में 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड मानसिंह तोमर ने अपने नाम किया, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका। सेना में सेनावर्ती होने के बाद जब वह अपने गांव पहुंचा तो वहां उसका विवाद बाबू सिंह के साथ हो गया, जिसने उसकी 95 वर्षीय वृद्ध माँ के साथ धक्का मुक्की की थी। तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ मुठभेड़ में मानसिंह तोमर की मौत हो गई। इसके बाद आता है जाना पहचाना नाम फूलन देवी, जो कि राजनीति में भी सक्रिय रही। बाद में भारतीय डकैतों की लिस्ट फूलन देवी के बगैर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत ही अलग है। फूलन देवी का जन्म गरीब मल्लाह के परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसकी शादी 12 साल बड़े एक व्यक्ति के साथ हो गई। फूलन 2 बार अपने ससुराल से भाग आई। बाद में सास ससुर ने उसके पिता से गुजारिश की कि वे उसे अपने पास ही रखें। 16 वर्ष की होने के बाद फूलन जब अपने ससुराल गई तो उसके सास ससुर और पति के साथ झड़प हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। एक बार फिर वापस भेज दिया गया। अपमानित फूलन डकैत के एक गिरोह से जुड़ गई और उसने अपने ससुराल जाकर अपने पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। फूलन के गिरोह का सामना जब ठाकुरों के गिरोह से होता रहता था,
एक मुठभेड़ के दौरान फूलन देवी को बंदी बना लिया गया। 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। फूलन देवी ने इसका बदला लिया। इसके एक रात 22 ठाकुरों को गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1983 में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ष 1996 में फूलन देवी को राजनीति से जुड़ गई। वर्ष 2001 25 जुलाई को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। अगला नाम आता है जगजीवन परिहार। उत्तर प्रदेश के कोरोला गांव में जगजीवन परिहार के एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जर के गिरोह में जुड़ गया। कुछ दिनों बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से उसने अपना नया गिरोह बना लिया। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मुखबरी का काम करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया कि वह अपने जीवन काल में 101 हत्याएं करेगा और पुलिस के हाथ कभी नहीं आएगा। वर्ष 2007 में मार्च महीने में एक मुठभेड़ के दौरान उसकी हत्या हो गई। अगला नाम पुतलीबाई। पुतलीबाई के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी के पास है नहीं, लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार पुतलीबाई एक इस देश की प्रथम महिला डकैत थी। माना जाता है कि पुतलीबाई एक नैतरकी थी जिसका अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। पुलिस के दबाव की वजह से मुखबिर के रूप में काम करने लगी और डकैतों के पास पहुंच गई। बाद में पुतलीबाई को सुल्ताना से प्रेम हो गया। उसके 2 बच्चे भी हुए। बाद में पुलिस के एक साथ मुठभेड़ में के दौरान सुल्ताना की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुतलीबाई ने गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली। करीब 3 सालों तक उसने चंबल की घाटी में हत्या, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र में दतिया गांव में पुतलीबाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या कर दी और 5 को बुरी तरह घायल कर दिया। यही नहीं, पुतलीबाई के गिरोह ने सात सदस्यों का अपहरण कर लिया। दरअसल पुतलीबाई को शक था कि दतिया के लोगों ने उनके बारे में पुलिस को जानकारी दी है। बाद में एक मुठभेड़ के दौरान उनकी मौत हो गई। अगला नाम मलखान सिंह। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत से सामान्य आदमी तक बनने तक की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली। युवा मलखान ने इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मित्र की हत्या करवा दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुँच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। वर्ष 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान और उसके गिरोह के अन्य साथियों के समाज को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की। उसे भूटान आंदोलन के तहत मिली जमीन दी गई ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने अपने पंचायत चुनाव लड़ा, इसमें जीत हासिल की। वर्ष 1914 के चुनाव में मलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में 2014 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह कहते हुए चुनाव प्रचार किया कि वह कांग्रेस राज में डकैत बनने के लिए बाध्य हुआ था। अगला नाम आता है राम बाबू और दयाराम गड्डिया। राम बाबू और दयाराम गड्डिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डाकू बन गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनके गिरोह को T1 Target 1 का नाम दिया। यह गिरोह इस सफाई के साथ काम करता था कि पुलिस को यह तक पता नहीं चलता था कि इसके बारे में कि आखिर कितने सदस्य। माना जाता है कि वर्ष 1997 और 1998 में रघुवीर गडरिया ने इस गिरोह को बनाया। दरअसल रघुवीर की पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। रघुवीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। अपने भतीजों रामबाबू दयाराम, विजय प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर एक गिरोह बना लिया। वर्ष 1999 में एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली लगने की वजह से रघुवीर मारा गया। उसके साथ मारे जाने वाले 3 अन्य सदस्य भी थे। वर्ष 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन ये लोग 2001 में एक जेल में दूसरे जेल में जाते वक्त पुलिस को झांसा देकर भाग निकले। वर्ष 2006 में अगस्त के महीने में मुठभेड़ के दौरान दयाराम की मौत हो गई। वहीं वर्ष 2007 में राम बाबू एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। अगला नाम आता है सुल्ताना डाकू। उत्तर प्रदेश के जिलों में सुल्ताना डाकू कथा की एक विवंदंती सरीखी है। 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश के प्रांत में सुल्ताना डाकू का खौफ था।
सुल्ताना का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। सुल्ताना के पास एक चेतक नाम का घोड़ा था। सुल्ताना डाकू के बारे में कई चर्चित किस्से भी हैं। उनमें से एक है, एक अंग्रेज युवती सुल्ताना के प्रेम पास में बंध गई। अन्य कथा के मुताबिक सुल्ताना के एक प्रेम कुंवर नामक युवती का अपहरण किया था, जो बाद में पुतलीबाई बनी और उसने गिरोह का कामकाज आगे बढ़ाया। माना जाता है कि सुल्ताना डाकू अंग्रेजों के खिलाफ था, जबकि उसे स्थानीय लोग प्यार करते थे। उसके बारे में एक चर्चित कथा थी, वह ब्रिटिश राज में ट्रेनों को लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था। बाद में उसे पकड़ लिया गया और उसकी मौत की सजा सुनाई गई। फ्रेंडी यंग नामक ब्रिटिश अधिकारी ने सुल्ताना को क्षमा दान दिलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। उसे 1924 को फांसी दे दी गई। अगला नाम आता है निर्भय गुज्जर। चंबल घाटी के इलाके में के करीब 40 गांव में निर्भय सिंह गुज्जर के एक सामांतर सरकार बना रखी थी। उसके सिर पर सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। बस 2005 में 8 नवंबर को पुलिस के एक मुठभेड़ के दौरान गुज्जर की मौत हो गई। निर्भय गुज्जर को न केवल कई आपराधिक वारदातों के लिए जाना जाता था, बल्कि उसके गिरोह में कई खूबसूरत लड़कियां सदस्य भी थीं। इन दयु सदरियों में सीमा परिहार, बिग बॉस फेम, मुन्नी पांडे पार्वती उर्फ चमको, सरला जाटव और नीलम प्रमुख थीं। निर्भय ने इन लड़कियों का अपहरण किया था और बाद में ये उसके गिरोह की सदस्य बन गईं। निर्भय गुज्जर की मौत के बाद सरला जाटव ने इस गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली। निर्भय गुज्जर ने 4 शादियां की थीं। चौंकाने वाली बात यह है कि निर्भय ने मुरैना जिले के प्राचीन बंटेश्वर मंदिर की खनन माफिया से रक्षा करने में महती भूमिका निभाई थी। सीमा परिहार का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गरीब ठाकुर परिवार में हुआ था। बस 1983 में सिर्फ 13 साल की आयु में डकैत लाला राम और कुसुमा नाइक ने उसका अपहरण कर लिया। सीमा परिवार ने डकैतों के गिरोह में आने के बाद उसके साथ ही रहना उचित समझा और 1986 में निर्भय सिंह गुज्जर के साथ शादी रचा ली। समय बीतने के साथ उसने अपना एक नया ग्रोह बना लिया। सीमा परिहार ने 70 के दशक में 200 लोगों को अपहरण कर लिया। उसने 30 से अधिक घरों में डकैती की वारदातों को अंजाम दिया। वर्ष 2000 में उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा सीमा ने वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिवसेना का समर्थन किया। वर्ष 2006 में वह इंडियन जस्टिस पार्टी से जुड़ गई। वर्ष 2008 के शुरू होने में उसने अपनी नई शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी के साथ शुरू की, लेकिन इसी साल अंत में लोक जनशक्ति पार्टी को अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बाद में टीवी सीरीज बिग बॉस में हिस्सा लिया, जो कि जाना पहचाना नाम है। जो भी बिग बॉस में जाता है उसका यकीनन नाम बन जाता है। उसके जीवन पर एक फिल्म बन चुकी है, नाम है बुंटेड द बैंडेड क्वीन, जो कि आप सबने देखी होगी। 11वां नाम बताने वाला हूँ, ददुआ। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ चंबल के क्षेत्र में आतंक का पर्याय था। 16 मई 1978 को 22 साल की उम्र में ददुआ ने अपनी पहली हत्या की थी। कहा जाता है कि उसने अपनी पिता की हत्या का बदला लिया था। इस घटना के एक घंटे बाद ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह ददुआ की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। जेल से छूटने के बाद ददुआ राजा रंगोली के गिरोह में जुड़ गया। वहाँ उसने गया कुर्मी से अपराधिक गतिविधियां सीखी। राजा के गिरोह के सदस्य एक के बाद एक ढेर हो रहे थे, तभी ददुआ ने अपना गिरोह बनाया और उसे कुर्मी समुदाय की सहानुभूति प्राप्त थी। वर्ष 1986 में ददुआ ने एक व्यक्ति को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसने 9 अन्य लोगों को भी निर्ममता से हत्या कर दी गई। प्रशासन द्वारा बढ़ती दंभिस को देखकर ददुआ ने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना शुरू कर दिया। 22 जुलाई 2007 को ददुआ ने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मुठभेड़ में भूई मारा गया। अनीसा बेगम के बारे में कहा जाता है कि वह कोई हथियार आसानी से चला सकती थी। उसे न केवल लाठी चलाने का ज्ञान था, बल्कि वह बंदूक, राइफल, छुरी, चाकू से हमला करना जानती थी। अनीसा का जन्म जालौन जिले के रामपुरा गांव में हुआ था। उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है कि वह कैसे डकैत बनी, लेकिन यह पता है कि वह सलीम गुज्जर की गिरोह की एक प्रतिष्ठित सदस्या थी। बाद में उसे सलीम गुज्जर से दूरी बनाते हुए एक अपना अलग गिरोह शुरू कर दिया।
अनीसा बेगम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई डकैतियों कई इलाकों में अंजाम दिया, उसका नाम सला जाटो। निर्भय सिंह।